Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to deal with inverse trigonometry function, that is our lecture 2. Already one lecture we have uploaded, ek lecture hum log pehle upload kar chuke hain related to this one inverse trigonometry function. जिस लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक्स है, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, वो हमने डील किया था. और दिस वन इज द सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू दैट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन. और इस वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज साइन, कॉस, टैन और तीन जो इसके रिवर्स होते हैं, उनका इनवर्स फॉर्म में किस तरह से रूल होता है और किस तरह से एप्लीकेशन जो है उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो दिस वन इज द सेकेंड लेक्चर ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन. वॉच द फुल वीडियो. एंड मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे. आप पूरा वीडियो देखें और इसे अच्छे से समझें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व करें. सबसे पहले हम लोग कुछ इसमें रूल्स देखेंगे, ठीक है, क्या हम लोग रूल्स यूज कर रहे हैं. देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जब भी इस तरह का रूल हो, साइन इनवर्स हो और साइन एक्स के अंदर हो, तो ये जो वैल्यू है वो एक्स होगा. इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं. व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर उसमें बिलोंग करता है एक्स, देन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to π, सबके लिए कंडीशन दिया हुआ है. टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स अगर हो तो ये आपका एक्स होगा, व्हेन एक्स बिलोंग टू -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, व्हेन एक्स बिलोंग टू 0 to π, sec इनवर्स ऑफ sec x, अगर ऐसा हो, इस तरह का आपका क्वेश्चन में आ जाए, sec इनवर्स और sec x अंदर हो, तो ये वैल्यू x होगा कब, when x belong to 0 to π/2 and union और π/2 to 0, इस तरह से अगर लाई करें, या इसके बीच में या इसके बीच में, ठीक है. cosec इनवर्स ऑफ cos x that is equal to x, when x belong to -π/2 to 0 और 0 to π/2, ठीक है, ये union है, union means 0 और हम लोग ले लेते हैं. इस तरह से कुछ और रूल्स हैं इसमें कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रूल में देखे थे कि साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स. उस तरह से अगर इनवर्स में हो कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कब, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स का जो वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से आपका लाई करना चाहिए. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टैन, देखिए कॉस एक्स वाले केस में हम लोग अगर नॉर्मल लेते थे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस के साथ अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो आपका पॉजिटिव एंगल ही कॉस देता था, बट यहाँ देखिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ये वैल्यू जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है. टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, व्हेन एक्स बिलोंग टू आर, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, व्हेन एक्स बिलोंग टू आर, कॉसिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है. यहाँ पे देखिए केस चेंज हो रहा है, मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो उस केस में कॉसिक इनवर्स ऑफ माइनस अगर एंगल थीटा है तो आपका नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा. वैसे ही sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये जो है वो बेसिक रूल्स हैं यूज करने के लिए जो हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे. कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स जो हम लोग इसमें यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये देखिए साइन इनवर्स का जो केस है यहाँ पे, जिस तरह हम लोग साइन ए प्लस साइन बी फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई अगर ऐसा फाइंड आउट करेंगे तो साइन इनवर्स पहला जो फंक्शन है वो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन जो है वो रूट में नेगेटिव स्क्वायर में रहेगा, प्लस वाई इंटू फर्स्ट फंक्शन जैसे था 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर ये केस पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर ये केस यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव होगा, ठीक है. तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, दोनों केस आपका इसी पे बेस्ड होगा. वैसे ही सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई देखें तो इसमें कॉस इनवर्स एक्स वाई जो दोनों फंक्शन है वो पहले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर.
अगर यहाँ केस प्लस है तो यहाँ देखिए माइनस है, अगर यहाँ केस माइनस होगा तो यहाँ केस आपका प्लस होगा, अदर रेस्ट कोई भी चेंज नहीं होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं टेन ए प्लस बी दैट इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वैसे ही यहाँ पे हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो तो पहले टेन इनवर्स इंटू फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई वन माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द फंक्शंस। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पॉजिटिव नीचे नेगेटिव था, ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा ये केस तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कुछ रूल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे और जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इस तरह के रूल्स पे ही बेस्ड होंगे। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, प्रूव दैट टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 2 बाई 11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 बाई 4, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 2 बाई 11 जो है वो इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 2 बाई 11 इज इक्वल टू, देखिए ये टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इस रूल पे आप जाएंगे तो ये जो हमारा रूल था वो क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई दैट मीन्स 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 11। इस तरह से हम सारा वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे जनरलाइज करना है तो देखिए टेन इनवर्स ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 11 दो एलसीएम में है दैट मीन्स हमारा एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा 22, 2 इंटू 11, 11 इंटू 1 दैट इज 11 प्लस 11 टू जा 2 टू जा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर देखिए 11 इंटू 2 यहाँ भी 22 एलसीएम होगा, फिर से 22 एलसीएम हमने ले लिया तो 22 इंटू 1 दैट इज 22 माइनस ये क्या हो जाएगा 2। तो ये जो है वो आपका ओवरऑल वैल्यू इस तरह से रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, देखिए ऊपर का वैल्यू 11 प्लस 4 दैट इज 15 दैट मीन्स 15 बाई 22 डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 22 माइनस 2 दैट इज 20 बाई 22, 22 22 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा वैल्यू, यानी ये देखिए आपका क्या बचेगा टेन इनवर्स 15 बाई 20 तो 5 3 जा 15 5 4 जा 20 दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 बाई 4 जो आप आपको प्रूव करना था। तो देखिए इस तरह का जो रूल्स हमने अभी देखा था टेन इनवर्स ये फुल्ली उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर रूल्स आपने रिमाइंड किए हुए हैं तो। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बाई 13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 बाई 65। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा रूल हमने नहीं देखा जिसमें साइन इनवर्स भी हो और कॉस इनवर्स भी हो, ठीक है, हमारा रूल क्या था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले आप देखिए कि रिजल्ट आपको किस फॉर्म में लाना है, ठीक है, यानी प्रूफ दैट जो करना है वो आंसर किस टर्म में लाना है, कॉस इनवर्स के टर्म में। तो यहाँ जो भी साइन इनवर्स का टर्म है आप उसको रिमूव कर दें और इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज कर दें तो ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का अगर फॉर्मूला होगा उसका ही रिजल्ट जो है वो कॉस इनवर्स के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, लेट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा, इसे कंसिडर कर लें। तो देखिए यहाँ पे 3 बाई 5 इक्वल्स क्या होगा आपका साइन थीटा, ठीक है, यानी 3 बाई 5 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा साइन थीटा आएगा। और देखिए थीटा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू 3 बाई 5 है तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 16 बाई 25 दैट इज 4 बाई 5। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है 4 बाई 5, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 4 बाई 5 है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स 4 बाई 5। और ये जो थीटा था वो इसके इक्विवेलेंट हमने लेकर चला था, हमने कंसीडर क्या किया था थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3 बाई 5, यानी ये किसके बराबर है sin इनवर्स 3 बाई 5 के बराबर है। तो देखिए यानी sin इनवर्स 3 बाई 5 जो है ये आपका इक्विवेलेंट है किसके cos इनवर्स 4 बाई 5 के। तो इस तरह से हमने sin को
कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था क्या था आपका, देखिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 जो आपको लेके चलना है, आप वन साइड हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो ये जो आपका दोनों जब सेम फंक्शन में आ गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो अगर इसका रूल हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई दैट मीन्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं 1 माइनस दैट मीन्स 4/5 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर। तो ये जो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का रूल था उस पे हमने इसे सेट कर दिया। अब देखिए हमारा इसे जनरलाइज करना है, तो cos इनवर्स ये हमारा 12 इंटू 4 दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 65 माइनस यहाँ देखिए 1 माइनस अंडर रूट 4/5 स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर रूट 4/5 स्क्वायर अगर आप करेंगे दैट मीन्स 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 16/25 इंटू 1 माइनस 144/169। इस तरह से हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये है आपका 48/65 माइनस यहाँ देखिए अगर 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 दैट इज 9/25 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 169 माइनस 144 दैट इज 25/169 रूट से बाहर आएगा तो 5/13, ठीक है। दैट इज कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 × 5 दैट इज 15/65। अगर इसे आप सब्ट्रैक्ट करें तो कॉस इनवर्स 33/65। देखिए ये हमें लाना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस हो, जब दो डिफरेंट फंक्शंस में क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो सबसे पहले हम क्या है रिजल्ट को देखेंगे, और जिस फॉर्म में रिजल्ट है उस फॉर्म में एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके दूसरे फंक्शन में लाएंगे। दोनों अगर सेम फंक्शंस हो जाए तो हमारे पास रूल जो है आइदर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, टैन का फॉर्म हो तो टैन वाला रूल यूज करेंगे। और इस तरह से अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, रूल अगर आपके दिमाग में है तो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वन क्वेश्चन हम देखें, इफ टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ये जो पूरा टैन इनवर्स का टर्म है ये जो है वो अल्फा के बराबर है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो साइन 2 अल्फा के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो टर्म है दैट मीन्स जो हमारा अगर हम ऐसे लें कि टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो हमारा यहाँ है फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा, ये जो टर्म है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो यहाँ पे जो ये रूट का टर्म है अगर टैन इनवर्स है इसको अगर हम दूसरी साइड ले जाएं दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा हमारा टैन अल्फा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए जब ये वैल्यू हमारा टेन अल्फा की इक्विवेलेंट होगा तो ये जो इस तरह का फ्रैक्शन टर्म है इसे हम क्या यूज करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का हम यूज करेंगे। यूजिंग हम ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, देखिए कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो क्या है आप पढ़े होंगे कि जो भी डिनोमिनेटर का टर्म है उसको ऊपर एक बार ऐड करते हैं और नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कोई एक वैल्यू जो हम खुद से लेंगे उसको हम ऊपर ऐड करेंगे और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह का जो ये टर्म है ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो आपका होगा। तो अगर ये नीचे वाले टर्म को हम ऊपर के साथ ऐड करें तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला टर्म जो है वो डबल हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है वो डबल हो जाएगा। जब इस टर्म को हम इसी के साथ माइनस करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये देखिए प्लस था तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ जो टर्म है आपका माइनस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी टर्म है, अगर उसमें आप जिस चीज को ऐड कर रहे हैं वही चीज नीचे सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को ही हम ऊपर ऐड कर रहे हैं और खुद डिनोमिनेटर वाले से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे प्लस वन, जैसे मान लीजिए हम इसमें करते हैं वन, हम मान लीजिए ऐड करते हैं, तो टेन अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस वन, देखिए ये जो टर्म है आपका जो ऐड किए उसको नीचे सब्ट्रैक्ट किए, तो इस तरह का जो टर्म है इसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम लोग कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये टर्म है आपका, ये तो टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वन टेन अल्फा प्लस वन है डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस वन है, और यहाँ एक नेगेटिव साइन भी है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को अगर हम दूसरी तरफ इसको अगर हम इधर कर दें तो ये हमारा जो टर्म है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है, अगर नेगेटिव को हम दूसरे साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव टर्म जब हमारा इधर आएगा तो देखिए ये क्या है हमारा वन प्लस टेन अल्फा या टेन अल्फा प्लस वन एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन था, नेगेटिव को हम इधर इन कर रहे हैं इसलिए हम इस टर्म को इस तरह से लिख रहे हैं, और ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा वन माइनस टेन अल्फा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वन माइनस टेन अल्फा के फॉर्म में। अब देखिए वन प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा, जो यहाँ पे ये हमारा टर्म है, ठीक है, अगर इस टर्म को हम अब यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, देखिए हमारा टर्म क्या था वन प्लस टेन अल्फा, तो वन प्लस टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, therefore root वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा टर्म है इक्वल्स, देखिए cos अल्फा अगर हम एलसीएम लें तो ये टर्म हमारा है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दोनों टर्म के नीचे cos अल्फा था वो तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस तरह का जो टर्म है, और इधर देखिए दोनों जो पूरा दोनों की तरफ रूट है, तो अब हम अगर इस रूट को रिमूव करते हैं दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो ये हमारा रूट जो है वो क्या है रिमूव हो जाएगा, तो यानी ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, इधर देखिए ये टर्म क्या होगा कॉस प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से हम इसको अगर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए वन ये जो आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है तो ये हमारा एक्सप्लेन होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये टर्म आएगा। ठीक है, और जो नीचे का टर्म है अगर इसको हम करेंगे तो ये देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये आपका जो इक्विवेलेंट था वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिस वन इज वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है वन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी वन होता है, यानी इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वन प्लस साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन टू अल्फा दैट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये क्या है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा फॉर्मूला है तो साइन टू अल्फा हमने लिख दिया, तो वन प्लस साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन टू अल्फा, इस तरह से। अब ये जो हमारा आ रहा है आपका, यानी अगर इसको हम फिर यहाँ पे देखते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स वन प्लस साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन टू अल्फा, देखिए हमें लाना क्या है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू अल्फा, सिर्फ ये हमारा रूल है। तो अगर फिर से हम यहाँ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अगर हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म है हमारा वो जो है, देखिए जो नीचे का टर्म है वो क्या है, ऊपर ऐड होगा। तो जब यानी फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो नीचे का टर्म जब ऊपर ऐड करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 रहेगा 2, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर इसमें से माइनस होगा तो आपका माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी नीचे का जो टर्म है आपका वो क्या रह जाएगा, सिर्फ आपका ये वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, देखिए दूसरी तरफ हमारा टर्म क्या था, 1 प्लस साइन 2 अल्फा, तो इसमें जब आप ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, और प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे का टर्म है वो आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे, 2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। जैसे हमने 10 अल्फा प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, तो वो चीज को हम ऐड कर रहे हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है, यानी देखिए ये आपका फ्रैक्शन है, तो इसको आपने जोड़ा, ऊपर वाले को आपने नीचे घटाया, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस करेंगे तो देखिए 2 2 2 सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ये आपका इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन 12। ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें बेसिक्स हम लोग जो पॉलिनोमियल फंक्शंस का यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, रैशनलाइज करना, इस तरह का जो टर्म है उस बेस्ड पे आप इस तरह का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है इजिली बना सकते हैं।